का ढाबा शायद ही इसी नाम से कोई परिचित ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा ढाबा है जो अचानक सबके जहन में आ गया, खूब प्रचलित हुआ, खूब नाम कमाया और पिछले एक साल से लोगों ने उस पर अपना भरपूर प्यार भी लुटाया। और एक वक्त ऐसा आया कि बाबा का ढाबा जो कि मालवीय नगर के इस फुटपाथ से चलता है वो रेस्टोरेंट तक में तब्दील हो गया। लेकिन वो कहानी फिर वापस लौट करके इसी फुटपाथ पे आ गई है। बाबा है जो कि यहाँ पर खाना दे रहे हैं, क्यों बंद हो गया रेस्टोरेंट? वहाँ घाटा था, वहाँ खर्चा था 1 लाख का, कमाई थी 30,000 रुपये की। कभी दुकानदारी 1,000 खोए, कभी 1,500, कभी 700, कभी 800 की, इसलिए बंद कर दिया। तो ये क्या, कब आपने बंद किया? क्योंकि दिसंबर में तो आपने वो खोला था रेस्टोरेंट। बंद किया 15 फरवरी को, सिर्फ 2 महीने में ही बंद हो गया। हाँ जी हाँ, क्यों, हमने हिसाब लगा लिया कि जब यहाँ से कुछ बढ़ने वाला है नहीं, हमने बंद कर दिया। लेकिन आपके पास तो पैसा, बहुत सारे लोगों ने मदद की थी, बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे भी आए थे। तो उस समय क्या, उसका क्या हुआ? भाई जो हमें मदद किए थे, हम उसमें वो ढाबा खोले थे उसमें खर्च किया, और कुछ अपना मकान बनाए उसमें खर्च किया, और कुछ अपने जीवन के लिए रखे हैं उनका, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने, आपने कहा था पहले कि धोखा भी दिया जिन लोगों ने आपकी मदद की, उससे कैसे आप? मैं बताऊँ जो गौरव बासन वाली बात है, हाँ तो गौरव बासन हमें कोई धोखा नहीं दिए थे। ये तो सर जी आप मुझे बोलो, बाबा इसमें साइन कर दो, मैं साइन कर दूँ। हैं अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे पता नहीं है, हैं बस एक कहानी थी। अब गौरव बासन हमारा भला किया, हमारा बुरा थोड़ी किया, हम उसके साथ क्यों करते हैं ऐसे काम? तो आपको नहीं लगता है कि आप फिर से वापस इसी ढाबे पे आ गए, एक आपकी आगे बन सकता? नहीं नहीं, हम जहाँ पर हैं हम बहुत खुश हैं, समझ गए ना, हम यहाँ खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि हम अपनी जगह पर सेम आ गए हैं। जो उड़ान भरना उड़ान हमने भर लिया, अपने घर पे आ गए हैं, अब हमें उड़ान नहीं भरना है, हम यहीं पर आना है। तो आपकी उड़ान छोटी हो गई, आपको लगता था कि लंबी उड़ान हो सकती थी? हाँ वही लंबी उड़ान लोग काट दिए। किसने काटा? भाई तूफान थे, अप्रेम जैसे वकील साहब थे, ये लोग जो है इन्होंने अपने आप करके कटवा दिए। अब हम जो अपने से लगे हैं, और गौरव बासन से हमसे कोई शिकायत नहीं है। अब आज भी अगर गौरव बासन यहाँ पर आएंगे तो हमारा सम्मान वही होगा जो पहले था। तो अब गौरव आते हैं यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ही आपको फेमस किया था, मगर हमारे पास आते नहीं वो, अगर आएंगे तो ये तुम्हारी वही रहेगी जो पहले थी। कहीं आपको लगा कि आपने दिल दुखा दिया गौरव का? अब तो भाई ये आपके सामने बात है कि कहीं कहीं उनका दिल दुखा है, क्यों, हमने जान बूझ के दुखाया नहीं है। अगर अनजाने में दुख गया है तो उसके लिए हमें सजा जो है बरकरार है, हम तैयार बैठे हैं। तो आपने माना कि आपसे गलती कहीं हो गई? भाई हमसे कहीं कहीं चूक हुई, हमसे चूक यहाँ पर हुआ है कि जहाँ पर हमने ये बोला है कि हमने गौरव बासन बुलाया तो गौरव बासन अपने आप है, हमें चूक यहाँ पर हुआ है, और आज उस चूक के लिए हम शर्मिंदा हैं। तो अब आप हमारे से अपील करेंगे कि गौरव आपके साथ फिर से जुड़े, कैसे हो? हम तो चाहते हैं कि गौरव बासन के साथ जुड़ेंगे, हम उनके साथ वैसे ही मिलेंगे जिस तरह पहले मिले थे, मगर पहली बार तो वहाँ तो सही। तो ये दर्द है कहीं ना कहीं बाबा का, ये दर्द है कि जो उड़ान उनकी लंबी होनी चाहिए थी वो उड़ान छोटी रह गई, जो रेस्टोरेंट इन्होंने खोला 2 महीने के भीतर बंद हो गया,